Hello, assalamu alaikum. Main hu Danish Khan and welcome to Danish Vlogster. मैं आपको जर्नी में लेकर जाऊंगा पाकिस्तान के कुछ ऐसे खानों की जो हर किसी को पसंद भी आएगा और पाकिस्तान की याद भी दिलाएगी. यूके में सम फाइनेस्ट लाजवाब रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड मौजूद हैं, जिधर आपकी डिश होगी और हम आपके साथ टेस्ट करेंगे उस डिश को. सो टू रेस्टोरेंट्स, टू डिशेस आपके साथ. So welcome the flavors of Pakistan. So welcome back. हम आ चुके हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन में और अभी हम जो आए हैं कॉमेंट्री रोड पे और जिस जगह हम आए हैं उस जगह का नाम है रियाज स्वीट्स. और माशाल्लाह से ये वही तरीका करते हैं, जलेबियाँ बहुत मज़ेदार बनाते हैं. इनके शीश कबाब, शीश रोल्स, शामी कबाब और कतलम में काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग पसंद करते हैं. तो आप आए द कॉमेंट्री रोड पे और इसका मज़ा लें. तो चले दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें वो पका रहे हैं. तो क्या बना रहे भाई? भाई ये मैंने जलेबियाँ भी शुरू की है, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं. तो हमारी जलेबी जो है ताज़ा बहुत बिकती है. फ्रेश नहीं बनाते हैं? हाँ फ्रेश बनाते हैं रोज़ाना. हम 1 बजे के बाद हम लगा लेते हैं ये. तो रमज़ान के वक्त कोई है कि लोग आना चाहेंगे, अगर किस टाइम पे आना चाहिए और इस तरीके से बताएं कुछ? ये बारियों वाले जो हैं लोग जानते हैं ना. जी जी बिल्कुल. तो ये जो है स्पेशल ऑर्डर देते हैं रमज़ान. अच्छा. का अगर हमने तो अभी से तैयारी शुरू कर दी है ना. ज़बरदस्त. तो ये आप देख सकते हैं जलेबी बन रही है इधर माशाल्लाह से. और इधर आप आएँ कॉमेंट्री रोड पे, ताज़ा स्पेशल जलेबी हम ब्रीक से ब्रीक निकाल के खिलाते हैं भाई. लंदन तक के लोग आते हैं. ये क्या है? ये चास है, ये चीनी का है. अच्छा अच्छा अच्छा. इसमें डुबोते हैं ना इसको. अच्छा. पलते हैं जब डुबोते हैं. सिरप होता है ना? सिरप होता है. बिल्कुल. तो जैसे कि आपको मालूम है प्रीवियस वीडियोस आपने देख ली है कि उस सिरप में डालते हैं उसके बाद जलेबिया को. और माशाल्लाह फ्रेश फ्रेश जलेबियां तैयार. तो ये भाई जो है समोसे ले आए हैं और ये देखें गरम गरम इसके अंदर समोसे. ये कौन से? वेजिटेरियन समोसे? ये वेजिटेरियन. अच्छा, ये वेजिटेरियन समोसे. ठीक है, ज़बरदस्त. समोसे जो खाते हैं काफ़ी लोग स्टार्टर में करते हैं इफ्तारी टाइम पे, और मज़ा तब आता है जब चाय के साथ भी आप इसको खाएं. क्यों जी? सही बात है कि नहीं? ये आप देख सकते हैं समोसे बन रहे हैं. ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है माशाल्लाह से एक साइड से. तो अभी दूसरी साइड से हम इसको कर रहे हैं. तो समोसे जी बन चुके हैं माशाल्लाह से और कलर जो है आपको पता है ये इतना ज़्यादा नहीं, ओवर कुक नहीं करना होता इसको. क्या लेना भाई? तो इधर जो है माशाल्लाह से समोसे भी हैं, आप देख सकते हैं. पकोड़े अभी बनाएंगे भाई इंशाल्लाह. साथ में जो है ये शामी कबाब है, शीश कबाब, शीश रोल और कतलम्मा. प्रातिंग वेजिटेरियन और मीट समोसे है ना? बिल्कुल. बस ये पकोड़े का आटा है जी? जी ग्राम ग्राम है ये, जिसको बेसन बोलते हैं. बेसन. बेसन क्या क्या चीज़ें डलती हैं? हम आलू डालते हैं और आलू के पकौड़े सिर्फ बनाते हैं. तो ये जो पकोड़े डल रहे हैं जी अंदर, आलू के पकोड़े,
काफ़ी लोग बैंगन के भी खाते हैं ना। हम सिर्फ आलू के बनाते हैं, आलू का पकौड़ा और चिकन पालक का भी, पालक के पकौड़े बनाते हैं। नहीं, पालक के नहीं बनाते। अच्छा, हमारे आलू के स्पेशल पकौड़े होते हैं और चिकन पकौड़ा। तो पकोड़े का कलर आ रहा है जैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह। तो इफ्तारी टाइम तो ये काफ़ी लोग पसंद करते हैं, और आप आएँ इधर से भी लेकर जाएं, और माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त क्या कलर आया। तो पकोड़ा रेडी हो गया जी, ये हमारे असगर भाई हैं, माशाल्लाह से काफ़ी मेहनत करते हैं और ज़बरदस्त ब्रदर, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं माशाल्लाह, कलर बहुत ज़बरदस्त आया जी। तो अभी थोड़ी देर में आपको कतलमा भी दिखाते हैं। ये देखिए कतलमा काफ़ी इनके काफ़ी लोग पसंद करते हैं, तो ये भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। तो आपने कभी कतलमा देखा है किस तरीके से बनता है? नहीं देखा तो चले मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कतलमा कैसे बनाते हैं, और दिखाते हैं इंशाल्लाह, देखिएगा जरूर। ये क्या कर रहे हैं फिर? ये कतलमा का आटा है, ये कतलमा का आटा है, इसके अंदर मीट होता है ना। जी तो ये जो मैं जो अभी कर रहा हूँ इसको मीट पे पूरे कतलमे के अंदर हर साइड में जा रहा है, इसको प्रेस ऐसा कर रहा हूँ। अभी देखो कीमत हर साइड में चले गए ज़बरदस्त। तो ये देखें कतलमा दल चुका है, तो इसको कितना टाइम लगता है बनने में? ये दो मिनट में बन जाता है। तो दो मिनट में कतलमा, तो पहली दफ़ा आपको मैं दिखा रहा हूँ कतलमा इधर, किसी ने नहीं दिखाया होगा यूके में, तो मुझे लगता है कि मैं पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ किस तरीके से बाहर इधर बनते हैं कतलमे। तो आटा जो है वो रेडी होता है, कीमा उसमें अंदर ऑलरेडी ऐड किया होता है, तो इस तरीके से तो प्रेस करना होता है और कीमा को पूरी रोटी में। तो ये देखें माशाल्लाह से कतलमा जो है बन चुका है, इसको अभी थोड़ी देर हम स्टिल रखेंगे ऊपर, तो फिर उसके बाद जो है साइड में सेटल करने के लिए देंगे। अभी फ़िलहाल इस तरीके से फूल जाते हैं ना थोड़े। दोनों साइडों में पक गए, ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें पक चुका है दोनों साइड से ज़बरदस्त। इस तरीके से इसका ऑयल जो है वो हम इस पे निकाल देते हैं। चले भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आजगर भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये जो फ्रेश हमने अभी समोसे बनाए यही हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस तरीके से आप करते हैं। पापड़ी भी डालते हैं, पापड़ी भी डाल दिया। अच्छा, तो पापड़ी आपने इसके ऊपर डाला है ज़बरदस्त, ये डाल रहे हैं आप छोले, प्याज, क्यूकुम्बर, शिमला मिर्चा। अभी इसके अंदर डाल रहे हैं चटनी सॉस, मिंट सॉस, और ये है चिली पेस्ट, और ये हमारा समोसा चाट बन गया माशाल्लाह। तो इधर कॉवेंट्री रोड पे मैं आगे चल ही रहा था, तो मैंने एक जगह देखी, हॉट बोल नाम है उसका, ठीक है। और माशाल्लाह से ये लोग जो इनके जो अफगान की टाइप की जो डिशेस होती हैं, सूप होता है, और इनका जो मंटू है वो काफ़ी फेमस है। अभी इन लोगों ने शुरुआत की है इंशाल्लाह, अभी कुछ महीने हुए हैं इनको, तो इंशाल्लाह रमज़ान में भी आप आएँ इधर और ये खाएँ, और मज़ा आएगा आपको। स्टार्टर में भी खा सकते हैं, सूप भी आप पी सकते हैं। इस तरीके से ये लोग इंशाल्लाह आगे भी और बहुत सारी डिशेस हैं, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें ये बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इनके पास है, तो चलें। सो यस, सो वी हैव कम टू बोल,
It's a hot bowl, just started 3 days ago. On Coventry Road? Coventry Road in Smallleaf. Smallleaf. So what you got here then? This is some mantu. Mantu. Afghan dish. Afghan dish. Mashallah. It's a high class food actually. Okay. People serve this to guests in Afghanistan when guests come over. So people can have this in Ramadan as well, yeah? Yes, and normal as well. So they can have it as a starter. Yes, it's good for the stomach as well. Okay. So I'm going to order some then. Okay. And let's see how you make it then. Yes. Bismillah. Bismillah. So yes, we start firstly, you start with putting some yogurt mass, we call it mass. Okay, so you put yogurt on there. Yeah, on the bottom. तो इस तरीके से ये योगर्ट बनाते हैं ये जो है अफगान की डिश है स्टार्टर है और काफी लोग इसको पसंद करते हैं और व्हाट यू कॉल इट दिस है वी कॉल इट मंतू मंतू इसको बोलते हैं मंतू ठीक है तो ये अफगान में काफी फेमस है लोग जो है स्टार्टर में भी रमजान में भी आप खा सकते हैं इस तरीके से ठीक है You put it on the yogurt. So, इस तरीके से yogurt के ऊपर ये डालते हैं. Inside the mantu, there is beef. Okay, तो इसके अंदर जो है कह रहे हैं ये beef है इसके अंदर. Meat, beef. I don't know what we call it. Meat, I think. Yeah. Is it meat, beef? Yeah. चले. Once you put the mantu, first yogurt, the mantu, and then after that, you put some yogurt on top as well. Back it up. तो थोड़ा और योगर्ट अगर आप आपकी मर्जी है अगर आप इसको इनको बताना चाहें कि ऊपर योगर्ट डालें और इस तरीके से डाल सकते हैं सो द मेन इंग्रेडिएंट्स आर बेसिकली मंतु एंड योगर्ट योगर्ट इज अ मेन पार्ट ऑफ दिस डिश देन आफ्टर दैट व्हाट यू डू इज कम हियर सो यू कैन डू इट देयर वी हैव सम दाल वी कॉल इट दाल You put it on top. तो ये जो है दाल डाल रहे हैं ऊपर इस तरीके से देखें That's the one. Some peppers. It's a little bit, not too much. So is that pepper? Yeah. Or is it like chili? Chili, basically, chili. तो इसके ऊपर इन्होंने थोड़ा बहुत चिली डाला है ये देखें फ्लेवर तो ये इसलिए डालते हैं कि फ्लेवर थोड़ा जबरदस्त हो जाए देन यू हैव सम वी कॉल इट नाना दिस इज नाना तो ये मुझे खुद पर्सनली भी नहीं मालूम क्या है इसको बोलते हैं नाना 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 इज इट फेनुग्रीक लीव्स आई थिंक सो मुझे लगता है ये फेनुग्रीक लीव यस इट्स फेनुग्रीक लीव तो ये जो है इन्होंने जो है फेनुग्रीक लीव्स डाले हैं इसके अंदर जो छोटे पीसेस होते हैं एंड देन लास्टली वी पुट इट वन सेकंड टॉप इट ऑफ विद धनिया मिंट फ्रेश मिंट या फ्रेश एग्जैक्टली सो द तो ड्रेसिंग के लिए सजाने के लिए ऊपर देखें इस तरीके से ये डालते हैं फ्रेश मिंट We call it in Afghan. We call it gashni. 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 But yeah, that's fresh. हम लोग धनिया बोलते हैं ये अफगान में ये लोग बोलते हैं गशनी 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 तो ये देखें माशाल्लाह से तैयार हो गया तो दैट्स द फुल लुक बेसिकली तो ये जो है हमारा मंतू जो है वो तैयार हो गया है तो इंग्रेडिएंट्स जो है अभी नए इन्होंने बाहर लगाई हुई है इस तरीके से तो ये इसका नाम है हॉट बाउल तो ये कॉवेंट्री रोड पे और ये फिलहाल इनके जो है इंग्रेडिएंट्स हैं मेन्यू काबुली पुलाव है मंटू है अशाक सूप भी देते हैं और इस तरीके से आप आ सकते हैं स्टार्टर के लिए रमज़ान का महीना है तो रमज़ान के महीने में भी खोलेंगे इंशाल्लाह व्हाट टाइम आर यू गोना बी ओपन ऑन रमज़ान ड्यूरिंग रमज़ान आई विल ओपन अराउंड 6 o'clock इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओके एंड देन फॉर द प्रेयर एंड दैट सो आई विल हैव टू आई विल बी क्लोज फॉर 2 आवर्स प्रोबब्ली ओके एंड देन आफ्टर दैट अवे आई विल बी ओपन फॉर 3 आवर्स एज़ वेल 3 4 आवर्स एज़ वेल आफ्टर दैट ठीक है इंशाल्लाह दैट्स फाइन इंशाल्लाह तो ये देखें सूप माशाल्लाह से व्हाट्स इन देयर बेसिकली इज व्हीट वेजिटेबल्स एंड दैट्स नखत या यू नो नखत यू नो द रमन्स ओके सो वी गॉट सम कैरट्स सम एवरीथिंग रियली
basically vegetable soup. Yeah, vegetable soup with wheat and chicken soup as well. A little bit chicken as well. तो साथ में चिकन भी डाला है इन्होंने vegetable type है carrots हैं बहुत सारे जो soup काफी लोग सर्दियों में पीते हैं वैसे भी अभी कुछ रमजान का महीना है so yeah that's good. Yes, that's good. तो जैसा कि आपको बताया है ये जगह Coventry Road पे है hot bowl है ये नए नए अभी इन्होंने बाहर ठेला लगाया हुआ है इस तरीके से और रमजान के वक्त भी ये खोलेंगे 6 बजे इंशाल्लाह तो 6 बजे के बाद जो 2 घंटे होंगे इंशाल्लाह उसके बाद इफ्तारी के लिए ये लोग बंद करेंगे शायद और फिर बाद में इफ्तारी के बाद शायद फिर से खोलेंगे इंशाल्लाह 2 घंटे बाद नमाज के बाद इंशाल्लाह तो चलें चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आपको आगे इंशाल्लाह तो चलें मेरे साथ और देखते हैं क्या क्या मौजूद है